हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो देखिए आज हम क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, इसे हम लोग बेरा कहते हैं। एक हम शॉर्ट वीडियो बनाए थे तो कोई कोई लोग पूछ रहे थे क्या है, और किसी किसी को तो पता है, गांव में जितने लोग हैं सबको तो पता है, बाकी शहर वालों को नहीं पता है क्या चीज़ है। तो आप लोग देख लीजिए, इतना सारा पापा ले आए हैं। ये तालाब से, तालाब में ही होता है, कितना बड़ा बड़ा है देखिए। अरे बाप रे, जल्दी से टूट नहीं रहा था, पता नहीं कैसे पापा निकाले हैं इसको। ये जो सफेद कमल होता है ना, उसी का फल है। लाल वाले में तो फल नहीं होता है, सफेद कमल वाले में फल होता है, तो वही है ये। अभी हम आप लोगों को छील के दिखा रहे हैं इसको। ठीक है फ्रेंड, तब तक हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए कितना सारा है, इतना इसका डंडा बड़ा बड़ा होता है। ये देखिए इसी में होता है, ये देखिए कितना सारा है, ये देखिए। ए देखिए फिर इतना ला के पटक दिए हैं, कितना सारा ले आए हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक तोड़ के इसको छील के आप लोगों को दिखाती हूँ। अरे टूट जा, जल्दी से टूट ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स मैं छील रही हूँ इसको। सारा निकल जा रहा है, अरे बाप रे सब नीचे गिर जा रहा है। निकल नहीं रहा है, ये देखिए निकला नहीं है अच्छे से, फिर भी हम इसे निकाल दिए हैं। यही खाया जाता है, और जैसे व्रत व्रत रहा ना तो कोई उसमें भी खाया जाता है, इसका हलवा भी बनता है। ऐसे निकाल के साफ करके फिर इसका आटा पीस के इसका हलवा भी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो बहुत खाते हैं इसको, ऐसे भी खाते हैं, ऐसे खा लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सारा लेके आए हैं, फिर लेके आए पापा, बहुत सारा लेके आए हैं आज, बहुत। आप लोग देख ही सकते हैं कितना है। और हम निकाल रहे थे, यहाँ पे सब गिर चुका है, नीचे इतना ही बचा है, तो अभी खा लेंगे इसको हम। तो आप लोग को पता है ये सफ़ेद कमल में फल होता है, लाल कमल में फल नहीं होता है। तो आप लोगों को पता होगा कमल का क्या क्या बनता है, ऐसे भी खाया जाता है और व्रत में भी खाया जाता है, हलवा बनता है, मतलब बहुत सारा चीज़ बनता है इसका।